41 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फर्जी धमकी के बाद अब मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दरअसल इसके लिए एक ईमेल भेजा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई के कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें निजी और सरकारी दोनों अस्पताल शामिल हैं और इन्हें ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन ईमेल्स को भेजा गया ताकि इन्हें ट्रेस ना किया जा सके। जिन अस्पतालों को ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया इसमें जसलोक अस्पताल, रहेजा अस्पताल, सेवन हिल अस्पताल, कोहिनूर हॉस्पिटल, केएम, जेजे हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल और भी कई दूसरे हॉस्पिटल शामिल हैं। पुलिस ने फिलहाल इन हॉस्पिटल्स की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया है। साथ ही सबसे बड़ा टास्क पुलिस के लिए ये है कि ये ईमेल भेजने वाला कौन है और क्या इन ईमेल्स में किसी तरह की कोई गंभीरता है। इससे पहले भी कई सारे स्कूल, एयरपोर्ट्स और अब हॉस्पिटल्स, तो पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है इस तरह के ईमेल भेजने वालों को लेकर। मंशा क्या है, क्या सिर्फ डर फैलाना है या फिर वाकई में इसके पीछे कोई सोच इनकी है। फिलहाल हॉस्पिटल्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम हॉस्पिटल्स में जब इस बात को लेकर तफ्तीश की गई तो ये ईमेल्स फर्जी मालूम होते हैं। दरअसल वीपीएन नेटवर्क से ये ईमेल भेजे गए हैं जिससे कि भेजने वाले को ट्रेस ना किया जा सके। शातिराना तरीके से ये ईमेल भेजे गए और ऐसे में पुलिस के लिए बड़ा टास्क है उन लोगों तक पहुंचना जिन लोगों ने इन ईमेल को भेजा है। फिलहाल सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस वालों ने तमाम हॉस्पिटल्स की सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी है।